नमस्कार दोस्तों, विमेंस वीक का मौका चल रहा है और आप सब इस बात को जानते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा जो विमेन हैं उनके बारे में उनकी बायोग्राफीज डिस्कस कर रहे हैं। उसी के तहत हम हर फील्ड की विमेन को शायद पिक कर चुके हैं, बायोग्राफीज़ उनकी देख चुके हैं, लेकिन एक फील्ड अभी भी ऐसा है जिनके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं या पर्टिकुलरली अगर आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो आपको इनको एक बार तो ज़रूर अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारत को उसका पहला अंग्रेजी नॉवल बियांका और द स्पैनिश मेडन दिया था। जी हाँ, आज हम तोरु दत्त की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं तोरु दत्त की बात करूं तो 1856 में बंगाल में इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी का नाम गोविंद चंद्र दत्त था, जो कि एक उस समय के राइटर भी थे और ट्रांसलेटर भी थे। शायद यही रीज़न है कि तोरु दत्त को भी ट्रांसलेटर के तौर पर और राइटर के तौर पर जाना जाता है। इनके बड़े भाई यानी कि रोमेश चंद्र दत्त एक ट्रांसलेटर और राइटर के साथ साथ सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने ही महाभारत का और रामायण का संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। दत्त की अगर मैं फैमिली की बात करूं तो ये 6 साल की थी जब इनके फादर ने पूरी फैमिली को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था। इनके साथ एक बहुत आयरॉनिक ट्रेजेडी शायद आप कह सकते हैं कि इनके 2 भाई बहन थे और इनमें से जो इनकी बड़ी बहन थी अरु और उनके साथ बड़े भाई अजबू, दोनों की काफ़ी छोटी उम्र में जो है मौत हो चुकी थी। अरु की मौत 20 साल की उम्र में हुई थी तो अजबू की मौत 14 साल की उम्र में हुई थी, और यही नहीं इनकी खुद की भी मौत 20-21 साल की उम्र में ही हुई थी। लेकिन फिर भी 20-21 साल की उम्र में, जिस टाइम पर आप और हम जैसे लोग शायद फ़ोन में और लैपटॉप में और सोशल साइट्स में ही बिजी होते हैं, हमें लाइफ गोल्स के बारे में नहीं पता होता, इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था उस टाइम तक। खैर, ये उस समय 1869 में इनको यूरोप इनकी बहन के साथ पढ़ने भेजा गया था, और 4 साल की पढ़ाई के बाद जब ये वापस आई थी तो वहाँ का काफ़ी काम, क्योंकि ये फ्रांस में बहुत देर रही थी तो वो भाषा सीखी थी इन्होंने, और उसके बाद आकर इन्होंने 1876 में एक पहली किताब लिखी थी, अ शीफ ग्लीन्ड इन द फ्रेंच फील्ड्स, जिसमें बेसिकली 8 फ्रेंच पोएम्स का ट्रांसलेशन था प्लस एक इंग्लिश पोएम इनकी खुद की ओरिजिनल भी थी। उसके बाद जिस नॉवल की मैं बात कर रही थी, बियांका और द स्पैनिश मेडन, इन्होंने 2 नॉवल्स लिखी हैं जिसमें से ये इनका पहला नॉवल था, और ये माना जाता है कि शायद ये एक भारतीय महिला की तरफ से लिखे जाने वाला भी पहला नॉवल था और फर्स्ट इंग्लिश नॉवल ऑफ द इंडियन सोसाइटी भी था। इसको एक बंगाली सीरियल के रूप में बंगाली मैगजीन में भी कवर किया गया था। उसके साथ साथ इन्होंने एक फ्रेंच नॉवल भी लिखा है। जी हाँ, फ्रेंच में भी जो पहला नॉवल एक इंडियन भारतीय महिला की तरफ से लिखा गया था वो था ले जर्नल डे मैडमोइजल डे आर्वर्स। तो ये 1879 में लिखा गया था, इनकी मौत के 2 साल बाद इसको पब्लिश भी किया गया था। खैर, उसके बाद इनकी जो बाकी की कॉम्पोजिशंस हैं, मैं आपको बता दूं कि इनकी बहुत ज़्यादा फेमस कॉम्पोजिशंस हैं, द असी ऑफ फोलियस, द लोटस, सीता, आर कैजुराइना ट्री। आर कैजुराइना ट्री एक ऐसा इनकी लिखत है जिसमें इन्होंने अपने बचपन के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में बताया है। ये सारी लिख जो हैं इसके साथ साथ और भी बहुत इंटरेस्टिंग इनकी लिखते हैं, जो कि आज भी बच्चों को उनके स्कूल करिकुलम्स में पढ़ाई जाती हैं। तो सोच सकते हैं आप, 19th century की एक राइटर थी जिनकी लिखते आज भी पढ़ाई जाती हैं। तो ये सब एक ही हेडिंग के अंडर कंपाइल्ड हैं जिसका नाम है एंशियंट बैलेड्स एंड द लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लिखती थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखती थी, फ्रेंच भाषा के साथ साथ
इंग्लिश में बहुत लिखा है, तो शायद ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने भारत को उसका पहला नॉवल दिया था। तो आज की बायोग्राफी तोरु दत्त की आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।